सोशल डिस्टेंसिंग रखो नहीं तो आपने कल देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने घपले के आरोप में 6 तहसीलदारों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें एक दलवीर दुग्गल जी हैं जो कि सोना से सस्पेंड में रहने वाले जींद के हैं, और उनको मैडम जो हमारी सांसद हैं यहाँ सिरसा से सुनीता दुग्गल, उनका देवर का नाम लेकर उनके सरनेम के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, जबकि मैडम का सारा परिवार उच्च पदवी के ऊपर है और बहुत ही साफ सभी के सभी ईमानदार हैं। जब सिर्फ उनका सरनेम उनके साथ लगता है, इस कारण मैडम की जो बात है कि मैडम का परिवार जो है घपलेबाजी के अंदर, मैडम का जो देवर है उसका नाम सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ़ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम पार्टी के और सर्व समाज के लोग और हमारे दानक समाज के लोग जो हैं उसके खिलाफ़ IT एक्ट के तहत आज सिटी थाना रतिया के अंदर हम लोग उनके खिलाफ़ एक FIR दर्ज करवाने आए हैं, ताकि ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए जो एक साफ छवि के नेता को एक हमारी सांसद के खिलाफ़ ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की? 5 अलग अलग ग्रुप हैं जो जिनके अंदर ये लिखा गया कि मैडम के देवर हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में पाए गए हैं। अलग अलग ग्रुप हैं, वो हमने SHO साहब को जो ज्ञापन सौंपा है, कॉपी दिया, उसके अंदर सारा डिटेल दी हुई है। अब क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि या तो लोग वो मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगे और उनके खिलाफ या फिर कार्रवाई हो। देखिए, अभी कुछ इलाके के गणमान्य लोग मेरे से मिले हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट दी है। इस कंप्लेंट में उन्होंने लिखा है कि माननीय MP सिरसा के परिवार से जुड़े हुए नाम को लेकर अनेक व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर लोगों ने कमेंट किए, अनावश्यक कमेंट किए गए हैं। उन कमेंट की जांच करने और उनके जिन्होंने ऐसे कमेंट किए उनके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए हमें शिकायत दी। हम शिकायत की जांच करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जांच करने के बाद जो भी कानून का उल्लंघन होगा उसी कानून के तहत उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।